शिवपाल फैक्टर कहीं ना कहीं उठेगा, और राजनीतिक में जब ऐसे फैसले होते हैं तो इस ढंग के फैक्टर उठते हैं, क्योंकि अब जो तस्वीर दिख रही है 27 के विधानसभा चुनाव के नतीजों तक, अब कुछ भी नहीं है, लड्डू छोड़िए बताशा भी नहीं देने को समाजवादी पार्टी, अब तो कुछ है नहीं बटने में, विधान परिषद हो गया, विधानसभा हो गई, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है ही अखिलेश जी, प्रदेश अध्यक्ष पाल है ही वो प्रयागराज वाले, ठीक, लोकसभा में नेता अखिलेश जी, अब तो कुछ देने को बचा नहीं, अब युवजन सभा में महामंत्री बन सकते हैं, और तो कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से बड़ा कुछ देने लेने के लिए। तो अब शिवपाल यादव को बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, अब उनको इंतजार ही करना होगा लोक विधानसभा चुनाव के परिणाम का, फिर क्या स्थिति बनती है तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अब ये तो तय हो गया कि उनके उसमें राजयोग अभी नहीं आ रहा कोई नवेशिको, इसका पॉलिटिकल असर क्या होगा। हमसे सुबह एक सपा के बड़े नेता कह रहे थे कि शिवपाल यादव को अपनी पार्टी सपा में विलय करने के बाद से केवल एक एंट्री हासिल हुई है अपने रोजनामचा में, वो है आदित्य की लोकसभा टिकट, बस बाकी कुछ नहीं जी। नवेशिको बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और शिवपाल यादव के बहुत नजदीकी लोगों का कहना है कि शिवपाल जी व्यक्तिगत तौर से यही कहते रहे हैं कि उनका एक ही सपना रहा है कि अपने बेटे को स्थापित करना, और उनके बेटे बाकायदा चुने हुए सांसद हो गए, इससे बड़ा सपना कोई नहीं हो सकता। शिवपाल यादव नाराज हो जाएंगे, शिवपाल यादव में खटपट हो जाएगी, ये पुराने तस्वीरें हैं, और अब ये फिलहाल अब इस तरह की चर्चाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी, और ना अब शिवपाल यादव नाराज होंगे, क्योंकि उनका एक सपना बस यही था, और इसके अलावा अब उनको कुछ चाहिए नहीं है, क्योंकि बेटे को चुना हुआ सांसद उन्होंने बना दिया, उनकी बहुत ज्यादा कुछ वो पार्टी में उम्मीद नहीं करते हैं, और अब वो समाजवादी पार्टी बन गई है जो वाकई में भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ करने को तैयार है, और एक बड़ी ताकत बन के उभर गई है लोकसभा के नतीजों के बाद। ऐसी स्थिति में ना शिवपाल अब कोई फरमाइश करेंगे, ना उनकी कोई चाहत है, पार्टी में जिस स्थिति में है वो रहेंगे, अखिलेश यादव जी की जी हुजूरी करेंगे, अखिलेश यादव को भी ये पता है कि अब चाचा बिल्कुल भी नहीं मुंह खुलाएंगे, ना उनको कुछ चाहिए। ये जरूर है कि विधानसभा चुनाव में ये उम्मीद होगी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है, उसके बाद उनको एक सम्मानजनक कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा, इससे पहले ना उनको कुछ चाहिए। ये मेरी अपनी समझ है, जो वहां से शिवपाल जी से जुड़े हुए बहुत खास लोग जो बताते हैं, जो शिवपाल जी के बयान आते हैं, उससे लगता है कि अब वो फैक्टर जिसपे हम लोग सालों तक चर्चा करते रहे कि वो नाराज हो जाएंगे, उनको ये चाहिए था, और बाद भारतीय जनता पार्टी उनकी बड़ी हिमायत कर रही है कि उनको ये पद देना चाहिए था, अब ऐसा कुछ है नहीं। मुख्य बात जो ब्राह्मण चेहरे की बात हो रही है, उस पर मैं एक बात ये करना चाहूंगा कि ब्राह्मण समाज की एक खासियत है कि कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा रोल रहता है सत्ता किसी को भी जिताने और हराने में। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा ब्राह्मण रहा है, लेकिन ब्राह्मण समाज का ये खासियत होती है कि कोई पार्टी जब सत्ता बनाने की स्थिति में आ जाती है तो वो छटक के आ जाता है, ये एक स्वार्थ जरूर होगा। दूसरी बात सबसे अहम जो है कि अखिलेश यादव को माता प्रसाद इसलिए भी क्योंकि वो मुलायम सिंह के खास हुआ करते थे, वो काबिल इंसान है। तीसरी बात ये कि जो जिस तरह से ब्राह्मण और क्षत्रिय भाग रहा था समाजवादी पार्टी से कि पीडीए में तो अब हमारा दम घुटने लगा है, उसको कहीं ना कहीं राहत मिली होगी, और 10-15% भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों को खींचने में उनकी ये एक पॉलिसी है, और मुझे लगता है कि किसी हद तक ये बात अखिलेश यादव की सही साबित हो सकती है जी। अब ये तो वक्त बताएगा, भाजपा वाले कह रहे कि हमने संतोष गंगवार को गवर्नर बना दिया, सारे कुर्मी हमारे हो गए। अब मैं तो फिर सब मेरे मित्र हैं, क्या कहूं, अब अगर संतोष जी के गवर्नर बनने से प्रदेश भर का कुर्मी एक साथ वोट कर दे, या माता बाबा के विधानसभा के में नेता विपक्ष बनने से सारा ब्राह्मण एक साथ आ जाए, मैं ऐसी थ्योरी नहीं मानता कभी। वो खुद जीत जाए उतने बहुत होता भाई, समाज का नेता होना बहुत बड़ी बात है भाई, बच्चों खेल समझते हो क्या कि समाज का नेता हो जाएगा कोई, खुद जीत सकता है, समाज ये कहेगा चलो तुम खड़े होगे तो तुमको जिता देंगे, तुम्हारे कहे से वोट दे ही जरूरी नहीं। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, मुलायम सिंह और मायावती कितने लोग हो पाए, कितने लोग हो पाए पिछले 70 साल में बता दूं हमको। नवेद बाबू
मायावती, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, 70-75 साल में कितने लोग हो पाए? नहीं ना। इसलिए जात का नेता, समाज का नेता होना बहुत बड़ी बात है। उतना सरल नहीं है कि किसी के बना देने से। ऐसे तो हमको सुबह एक बीजेपी के मित्र समझा रहे थे कि भाई साहब गवर्नर की लिस्ट देखी आपने, अब हमने सब सेट कर दिया। मेरी गजब बात है यार, कलराज जी को राजस्थान में गवर्नर बनाया था, उससे ब्राह्मण सिर पे क्या फर्क पड़ा? अब उनको हटा दिया तो ब्राह्मण ना नाराज है, ना बनाने से खुश था, नाराज है। नहीं ना, ये खैर चलिए। एक चीज और भी मैं देख रहा हूं, अभिषेक वाजपेयी जी, दो घटनाएं हैं, एक तो माता प्रसाद जी की और एक दूसरी घटना है कि जिसकी उम्मीद में आपने मानसून ऑफर फ्लोट कर दिया था, क्या बाय वन गेट वन टाइप का ऑफर एक अखिलेश जी ने फ्लोट कर दिया था, 100 लाओ सरकार बनाओ। आज सावन के दूसरे सोमवार में वो तस्वीर भी बदल गई क्या? जिनको आप ऑफर दे रहे थे, एक दाएं खड़ा था एक बाएं खड़ा था, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नहीं देख ही लिया आप? और सुन लो, योगी जी ने कहा था, नावेद बाबू को भी याद होगा, जब जगत प्रकाश नड्डा आए थे, समीक्षा की बैठक हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अति आत्मविश्वास के कारण हारे। आज केशव जी ने भी वही कह दिया, बोले जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अभिषेक जी, और आज जब विधानसभा में योगी जी घुसे हैं अंदर, तो वीडियो आपने देखा ही होगा, आप तो सक्रिय लोग हो क्या? आपकी पार्टी के तमाम विधायक गिरे पड़ रहे हैं, बोले महाराज पाला की नहीं, बड़ी बड़ी लोग आपकी पार्टी के सब। वाजपेयी जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे याद है कि मायावती के किसी व्यक्ति ने बहुत शानदार रैली करवाई थी जी, और उस शानदार रैली के बाद अगले ही दिन जाकर के भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे खड़े हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे लगता है आपने जो पहला प्रश्न किया था उसका उत्तर तो यही हो गया। देखिए, दिखाने के लिए हर आदमी एक जगह पे होता है और एक जगह पे नहीं होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और जब एक आग को जबरदस्ती बुझाया जाए ना तो वो बुझती नहीं है, लेकिन वो चिंगारी सुलगती रहती है, और जब चिंगारी आग का रूप ले लेती है ना तो पूरा घर जला देती है, आप अच्छे से जानते हैं। अच्छा, मतलब आप अभी उम्मीद से हैं कि अभी घर जल सकता है, अभी चिंगारी में तभी रहे। देखिए हम तो देखिए राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और तो हमेशा उसी पे ही जीवित रहती है। देखिए कहीं अपने हमें क्या है, हम तो चाहेंगे, मन में भी चिंगारी दबी हुई है काफी पहले से, दबी हुई है शिवपाल जी के साथ, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं अमिताभ जी कि आप, हम तो चाहते हैं कि आप बैंकिंग छोड़ कर हमारी पार्टी में इस तरीके से दोनों बैठे हैं हमारी पार्टी में आकर के सम्मिलित हो जाए, लेकिन हमारे चाहने से नहीं, जब तक दिल नहीं मिलेंगे तब तक आगे चीजें नहीं होंगी, और अंदर खाने पे बात होती है, चलती रहेगी। आपकी जो पार्टी, अब मुझे जिस पे खास तौर से आपत्ति है जी, अभी नावेद भाई ने आपके घर जल जाए, आप कहीं के ना बचे, अरे अपने घर, अरे एक मिनट रुको, एक बार अनुभव जी उनकी बात आ जाए फिर आप कहा जा रहे जी जी, अब घर को आप बचा लीजिए। देखिए नावेद भाई की एक बात पे मैं कभी आपत्ति दर्ज नहीं करता हूँ, जहाँ पे होना चाहिए वहां पे दर्ज कराऊंगा। नावेद भाई ने एक बात कही कि आदरणीय चाचा जी के लिए कि चाचा जी को अखिलेश यादव जी की जी हजूरी करनी पड़ेगी, तो पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, चाचा जी हर एक फैसले में साथ होते हैं, वो उनको आशीर्वाद देते हैं, चाचा जी जी हजूरी नहीं करते हैं, इस बात को आप मानिए, इस पे मेरी तरफ से आपत्ति है, आपको इस पे मानना पड़ेगा। जी बात अभी नावेद जी की कर रहा हूँ, एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, आप बीच में कूद पड़ रहे हो, आप पे भी आऊंगा, चिंता ना करो, अभी आपको भी मिर्ची दूंगा तीखी वाली। और जैसा कि अभी हमारे भाई कुछ देर पहले बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, उनके यहाँ पे तो एक कुल मिला करके एक सीट वैसे ही उनको दी गई थी, आपने देखा कि पहले भी दिल्ली से लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ चलता रहा, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी को तो पूछा नहीं गया था, दो लोग थे जिनको पूछा ही नहीं गया, अपनी अपने लोगों की सीट तो बचा नहीं पाए, कौन सी अपनी बिरादरी की बात करते, इनका खुद का वोट बैंक कुछ नहीं है। तीसरी चीज आते हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र पे बात जब कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि आज ही आपके यहां से एक वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ ना,
जहां पे आपके विधायक जी बुलडोजर के लिए क्या बोल रहे थे अधिकारियों की, क्योंकि अगर यहाँ पे बुलडोजर चल जाएगा तो नहर में घुसेर दूंगा। आप समझ लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पे अंतर कला इतनी सारी है। ठीक, अभी अभिषेक अब रुक जाओ, आपकी बात आ गई, अब मैं अनुभव चक्की पास चलूँ। अभिषेक अब रुक जाओ।